by 2 into 3. First analytical formula kya hai? V equals to U plus 80 plus 18. V square equal to U square plus 2AS. और एवरेज वेलोसिटी चलिए सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, क्वेश्चन करवाया हूं इस पे। कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आगे बढ़ें? चलिए क्वेश्चन लिखे तो, एक दो दो तीन क्वेश्चन लिखे तो। एन ऑब्जेक्ट, जल्दी लिखे, एन ऑब्जेक्ट मूव विथ एन एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट मूव विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 meter per second square. Starting from rest. Sir, with an acceleration क्या आगे क्या बोला? फिर से सुनिए. An object moves with an acceleration of 8 meter per second square. Starting from rest. Find the displacement travel in 1 second. Find the displacement travel in 1 second. Find the displacement travel in 1 second. ठीक है? बनेगा? सर आप एक बार फिर से बताइए. क्या बेट क्वेश्चन फिर से बोलें? यस सर. एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 meter per second square. Starting from rest. Find the distance travel in 1 second. बता दूं, बनेगा? बनेगा सर. कोशिश करिए. गुड. सर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 second. इस केस में, स्टेट केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है. इन द स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. हो गया? बताऊं? बताऊं? हेलो बेटा, लेक्चर में लेक्चर बात बात करें. हाँ बेटा, कितना हुआ? कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फोर. बोलो. सर 4 meter. अच्छा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? जीरो. जीरो विथ एन एक्सेलरेशन ए कितना दिया है? 8 meter per second square. टाइम कितना दिया है? क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट. फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट, हम जानते हैं. क्या जानते हैं?
ut plus 1 upon 2 at square. s equal to ut plus half at square. जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? Yes sir. U दिया हुआ है जीरो, t वन सेकेंड, एक्सेलरेशन 8, सर आंसर 4 मीटर आ, और टाइम 1 स्क्वायर. कोई डाउट? नो सर. जीरो इंटू वन कितना आएगा? जीरो प्लस 2 4 जा 8. वन का स्क्वायर कितना आएगा? 1. 1. 4 × 1 = 41. अरे किसका फोन है रे? 4 × 1 कितना आएगा? 4. 4. आंसर क्या आ गया? 4. 4. किसी बच्चे को डाउट? नो सर. आगे बढ़े. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. और बोले? यस सर. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ अ वेलोसिटी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सर फिर से बोलो ना. A train starting from rest and moving with a uniform acceleration attains a speed of. Ninety kilometer per hour. In 5 minutes. Find the distance traveled by the train. सर आप क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए. A train starting from rest and moving with a uniform acceleration attains a speed of 90 km/h 90 in 5 minutes. Find the distance traveled by the train. क्या आएगा? बनेगा? बढ़े आगे. सर एक मिनट.
रब करूं बोलिए क्या दिया है अ ब्लॉक अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेड इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड स्पीड दिया हुआ है कितना कितना टाइम के लिए टाइम कितना है 5 मिनट क्या पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन के लिए बताइए पहली प्रायोरिटी होगा कि देखिए 1 किलोमीटर पर आवर दिया है और 1 मिनट दिया है दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा यस सर यहाँ पे वेलोसिटी 90 किलोमीटर अपॉन आवर दिया है ना हाँ सर 1 किलोमीटर में कितने मीटर बेटा 1000 मीटर आवर में कितने सेकेंड 3600 कितना आ गया कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड क्या सभी बच्चे क्लियर हैं यस सर यस सर अब टाइम की बात किया जाए कितना दिया है सर 16 × 5 आएगा तो 300 देखता हूँ 5 × 1 मिनट में कितने सेकंड 60 seconds कितना आ गया 300 सर 300 आएगा ना हाँ 16 × 5 ठीक है मतलब भी कितना आ गया टाइम कितना आ गया अब हमसे क्या पूछ रहा है बोलो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का S equals to ut plus half a t square. U तो दिया है, t भी दिया है, a दिया है क्या? बोलो. A no, दिया sir. है क्या? No sir. No sir. फिर कैसे निकालेंगे? A का फॉर्मूला याद है? बताए थे यस सर वी कितना है यू कितना है टाइम कितना है कितना आ जाएगा होगा क्या यस सर कितना टाइम्स में कटेगा देखो तो होगा कितना होगा हाँ सर अब क्या निकालना है
एस एस निकालेंगे। बोलिए मैं इसको रब करूं? यस सर। कितना आएगा बोलो? टाइम एक्सलेशन कितना है? 1/12 मीटर पर सेकंड। कितना एक्सलेशन है? हाँ गुड इवनिंग सर, मैं लेक्चर के बाद कॉल करूँ। अब कितना है बेटा यहाँ पे टाइम कितना है? कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? 900। 900 नहीं, अरे 9000। देखो तो कटेगा। तो सर आपने 300 का स्क्वायर लिया। हाँ हाँ कितना आएगा? सही है ना? यस सर। ये देखो तो कटेगा, ये 6 हो जाएगा, 2 2 5 0 सही है ना? 1 1 2 2 4 देखो तो इतना आएगा क्या? कितना आ जाएगा बेटा? 150 3750 3750 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। इतना मीटर देख लो, ये आंसर होगा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। सो बोलो बेटा। सर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते थे ना, मतलब 1/2 × 1/12 का उधर ही कैलकुलेशन, मतलब 1/24 कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्कूटर, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्कूटर at 43.2 kilometer per hour. Sir, please repeat the question. A person traveling on a scooter at 43.2 kilometer per hour. Forty-three point two kilometer per hour. Sir, velocity and speed. Speed and velocity both are same in the case of straight path. Clear? Sir, per scooter straight path पे थोड़ी चल रहे थे। अरे भाई यहाँ पे question में दे रहा है ना बेटा। यहाँ पे question। क्योंकि यह क्वेश्चन क्या है? लीनियर पाथ है। लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना बेटा? चलिए, अप्लाइज द ब्रेक्स, अप्लाइज द ब्रेक्स
43.2 किलोमीटर पर आर के बाद अप्लाइज द ब्रेक है ब्रेक्स अप्लाइज द ब्रेक्स गिविंग अ डी एक्सेलरेशन ऑफ गिविंग अ डी एक्सेलरेशन ऑफ गिविंग के बाद क्या गिविंग अ डी एक्सेलरेशन ऑफ Giving a deceleration of 6 meter per second square. Giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. हो गया हाउ फार विल इट ट्रेवल before stopping. बिफोर स्टॉपिंग क्या सर हाँ बिफोर स्टॉपिंग बनेगा Yes, sir. Yes, sir. Try करिए, please try करिए. सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. देखिए एक स्कूटर है उस स्कूटर पे एक आदमी जा रहा है जिसका स्पीड स्कूटर का स्पीड है 43.2 किलोमीटर पर आवर समझ में आ गया एक स्कूटर है जिसका स्पीड 43.2 किलोमीटर से जा रहा है एकाएक उसने ब्रेक लगाया किस पे स्कूटर में तो ब्रेक लगाया तो उसका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा घटेगा स्पीड घटने के रेट को क्या कहते हैं डीएक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन या रिटार्डेशन समझ में आया जो कि दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कोई डाउट नो सर अब कह रहा हाउ हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग मतलब जब ब्रेक लगा रहा है तो फाइनली स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्कूटर समझे कि नहीं समझे समझा सर ब्रेक लगाएंगे तो धीरे धीरे स्कूटर का स्पीड क्या होगा घटेगा घटेगा कि बढ़ेगा घटेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि स्कूटर का स्पीड जीरो हो जाएगा रुक जाएगा क्लियर सर हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा क्या 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 सॉन्ग सर हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा ना हाँ करो टाइम का कोई जरूरत नहीं इसको केस में सोचो पहले सोचो तो सही मैं बताऊं सर एक मैं बता हाँ करते ट्राई करते हैं सर ठीक है बताऊं क्या सर एक मिनट सर रुकिए सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं मैं समझा
चलिए बता दें सर प्लीज एक मिनट आए सर एक मिनट रुको सर यू जीरो कंसीडर करने क्या बोला है ना स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बोला है क्या नहीं जीरो क्यों क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ स्कूटर का स्पीड अरे क्वेश्चन देखा है ऐसे है डायग्राम पर यू इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर पर आवर देखता हूं बेटा ये स्कूटर है जो कि ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है जो कि दिया हुआ है कितना 43.2 किलोमीटर पर आवर इसके बाद इसने क्या किया ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो इसमें क्या हुआ रिटार्डेशन कितना से होगा हेलो माइनस सिक्स मीटर पर सेकंड मैं लिख सकती बात बोलता हूँ रिटार्डेशन कितना होगा बेटा -6 मीटर पर सेकंड हाँ गुड -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बोल रहा है कि फाइनली यहां पे जाकर क्या हो जा रहा है स्टॉप हो जा रहा है क्लियर है यस सर तो पूछ रहा है यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा या डिस्टेंस कवर करेगा ये पूछ रहा है क्लियर है सर 12 मीटर है क्या देखता हूँ इन सब नहीं दिया है देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रायोरिटी क्या है किलोमीटर पर आवर दिया है जिसको कन्वर्ट करना होगा कितना होगा 43.2 इनटू 5/T इसका क्या लिखेंगे कन्वर्ट करने आया है कि नहीं आया है अभी बताओ मैं ये कटेगा मल्टीप्लाई कर लो पहले अब देखो कटेगा 5/18 होगा ना 5/18 होगा वही बात नहीं गलत है क्या हाँ गलत है कितना आएगा कट होगा 3 और सर 12 मीटर पर सेकंड आ देना यू निकल गया 12 मीटर पर सेकंड कोई डाउट सर यू 12 है या वी 12 अरे यू दिया है यहाँ पे यू मैंने लिखा बेटा भी तो जीरो दिया अरे हाँ क्या बेटा 2160 डिवाइडेड बाय 18 120 आता है 120 कैसे आएगा यहाँ पे पॉइंट जीरो है यहाँ पॉइंट है ओके सर समझ में आ गया यस अब देखिए हमें एस निकालना है एस का कितने फॉर्मूला है यूटी प्लस आरटी स्क्वायर अब बताइए इसमें टी है टी दिया है क्वेश्चन में नो सर और कोई फॉर्मूला में एस है क्या टू एस
इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. देखिए वी दिया है क्वेश्चन में. यस सर. यू दिया है क्वेश्चन में. यस सर. ए दिया है क्वेश्चन में. यस सर. एस निकल जाएगा. निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा. सर नेगेटिव आ रहा है. देखते बीस कितना होगा. यू हमने निकाला कितना. ए दिया हुआ कितना इनटू एस. सही है. इसको रब करूं क्या. इसको रब करूं क्या. यस सर. कितना आएगा. ट्वेल्व. जीरो इक्वल टू ट्वेल्व का स्क्वायर. देखो तो यहां तक समझ में आया. सर आपने माइनस सिक्स इंटू एट क्यों लिखा. एट कहां लिखा रे. सॉरी सर. अब देखो ये नेगेटिव है क्या कर क्या हो जाएगा. पॉजिटिव. इस यहां मल्टीप्लाई है इधर आकर क्या हो जाएगा. ट्वेल्व. कितना आएगा. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं. यस सर. सभी बच्चे क्लियर हैं. यस यस सर. किसी बच्चे को डाउट. किसी बच्चे को डाउट. नो सर. देखो इसको ऐसे भी बना सकते हैं. रब करूं. यस सर. यू यहां पे कितना आया है. इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं. हम जानते हैं बी इक्वल टू. जानते हैं बोलो. बी कितना दिया है. माइनस सिक्स. ऐसे लिख सकते हैं. यस. कितना आएगा. यह माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा. टाइम कितना आ गया. टाइम अप. टाइम अप. टाइम अप. फॉर्मूला क्या होगा. एस इक्वल टू यूटी प्लस आप ए टी स्क्वायर. सब कुछ दिया है. पुट करो निकाल लो. निकाल लीजिए. सब कुछ दिया है. पुट कीजिए. वैल्यू निकाल लीजिए. निकाले.